सिर्फ मुझे ना जाए, सब पार्टिसिपेंट्स को जाए, कोई है इस तरह का नहीं ऑप्शन? सर, मेरे ख्याल में सिर्फ अपने आप को ही जाती, मेरे ख्याल में। ये फिर मजे का काम ना हुआ। चलो मैं चेक करूंगा, कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जितने बंदे क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डिंग हर किसी को चली जाए ना। अच्छा मैं देखूंगा शायद कोई हो ऑप्शन इस तरह का। अच्छा सर अब ये यूट्यूब पर होता अपलोड कर दे। यार, वो तो मैं इस पे गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर सकता हूँ ना, उसके लिए तो फिर देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, तुम बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली जिस तरह ईमेल मुझे आता है, ये रिकॉर्डिंग का ईमेल, ये हर बच्चे को खुद से क्यों नहीं चला जाता, मैं ये नहीं बताऊँ। सर, आपको शेयर करनी पड़ेगी, ऐसे खुद से नहीं कभी भी जाती वैसे। यस बेटा वो तो मुझे भी पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है, यही मेरा सवाल है। सर, मैम दलित की तो आई थी नहीं रिकॉर्डिंग। मैम नहीं मैम भी दलित डालती हैं, उनकी खुद नहीं आती। खुद आती है या वो डालती है, ये सवाल है ना। अच्छा अब आगे शुरू करते हैं बेटा। उस तरह तो मैं भी अगर कॉपी पेस्ट करूंगा ना, वो लिंक पोस्ट करूंगा तो वो आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसके बाद जिस तरह मुझे ईमेल आता है, आपको डायरेक्टली ईमेल जाए ना। तो मैम तलत का आपको डायरेक्टली ईमेल आता है हर बच्चे को? तो नहीं सर, वो पोस्ट करती है। नहीं बेटा यही तो बात डिस्कस हो रही है, ये तो फिर आपने वही बात रिपीट कर दी। अच्छा देखें, अब इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे वी हैव सम फर्दर बॉक्सेस, या बना दें ठीक है। इसका मैस है जी तकरीबन 6 kg, और इसका मैस है 14 kg, ठीक है जी। ये आप कॉपी कर लें, उसके बाद आप लिखें कि ये बॉक्सेस हम रिलीज करते हैं और ये मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो रोप्स हैं हमारे पास, ये है रोप वन, ये है रोप टू, और ये है रोप थ्री। अब रोप थ्री के अंदर जो टेंशन है वो T3 होगी। T3 इज द फर्स्ट एक्शन रिएक्शन पेयर। देन वी हैव T2, T2 इज द सेकेंड एक्शन रिएक्शन पेयर, एंड देन वी हैव T1। ये हो गया T1। दिस इज बॉक्स ए, दिस इज बॉक्स बी, दिस इज बॉक्स सी, एंड दिस इज बॉक्स डी। अच्छा T3 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? T3 इज द फोर्स विद विच बॉक्स डी इज पुलिंग बॉक्स सी, एंड बॉक्स सी इज पुलिंग बॉक्स डी। इन द सेम मैनर T2 इज द फोर्स विद विच बॉक्स बी इज पुलिंग बॉक्स सी, एंड बॉक्स सी इज पुलिंग बॉक्स बी। T1 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? T1 जी वो वाली फोर्स है जिससे बी ए को ऊपर पुल कर रहे हैं और ए बी को ऊपर पुल कर रहे हैं। तो मुजम्मिल ये सिचुएशन समझ आ रही है पूरी तरह से? जी सर। सर फिर से बताना सिचुएशन क्या थी, जी बेटा सिचुएशन फिर से एक्सप्लेन कर दें सर जरा। बेटा सिचुएशन ये है कि जो बी और ए है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, ये नीचे मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, ये मूव करेंगे ऐसे नीचे, और इनका एक्सलरेशन भी होगा नीचे की तरफ। अच्छा ये वाली जो साइड है ये मूव करेगी इधर, और इसका एक्सलरेशन भी इधर की तरफ होगा। जब आपको एक्सलरेशन फाइंड करना होता है तो आप होल सिस्टम लिया करें, उससे एडवांटेज ये मिलता है कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। जब आपको एक्सलरेशन फाइंड करना होगा, यू विल टेक द होल सिस्टम, उसका एडवांटेज क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस इग्नोर हो जाएंगी। अच्छा अब टेक जी एस 10 m/s² फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए। बेटा जब आपको एक्सलरेशन फाइंड करना है तो उसमें आप पता है क्या करेंगे, उसमें आप लेंगे होल सिस्टम। जब आपको एक्सलरेशन फाइंड करना है तो आप सब ऑब्जेक्ट्स लेंगे। फर्ज करें अगर हम सिस्टम को डिफाइन कर दें कि ये सारे डब्बे मिला के सिस्टम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मुजम्मिल अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हम सिस्टम ले रहे हैं और पुली फ्रिक्शन लेस है, तो बताओ इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, जल्दी से। सर ये जो T1 है और T2 है और T3 है। जबरदस्त, जो फोर्सेस ए बी और सी के इन बिटवीन है वो क्या होंगी, इंटरनल फोर्सेस। जैसे T3 है, T3 फोर्स है डी और सी के इन बिटवीन, तो इंटरनल। T2 है जी बी और सी के इन बिटवीन, तो इंटरनल। तो जो फोर्सेस सिस्टम के विद इन है
वो सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंटरनल। तो अब की बार इंटरनल फोर्सेस होंगी टी थ्री इज इंटरनल, टी टू इज इंटरनल, और टी वन भी क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो बच्चों टी वन इज एन इंटरनल फोर्स, टी टू इज एन इंटरनल फोर्स, टी थ्री इज एन इंटरनल फोर्स। अच्छा, हमारा जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम लेते हैं एक्सटर्नल फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस एक्सटर्नल बैकवर्ड फोर्सेस और उसको इक्वल करते हैं मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन के। तो अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे, हमारी इक्वेशन होती है जनरली एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एफ होता है सम ऑफ एक्सटर्नल फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस सम ऑफ एक्सटर्नल बैकवर्ड फोर्सेस। अब 14 केजी का वेट कितना होगा, 14 केजी का वेट होगा, उसको हम कहेंगे 140 न्यूटन्स। हाँ, एमजीए, और ये होगा 140 न्यूटन। अच्छा, 6 केजी का वेट कितना होगा, उसको हम कहेंगे एमजी ऑफ बी, और बेटा जी वो होगा 60 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह हम इधर आते हैं, सी वाले का वेट इग्नोर करेंगे, डी वाले का वेट इग्नोर करेंगे। मुजम्मिल, सी और डी का वेट इग्नोर क्यों होगा, जल्दी से बताओ। सर वो वर्टिकल है जी, सर वर्टिकल है, आपने याद रखा मोशन। हाँ, मोशन हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है सर, वो परपेंडिकुलर है उसके बन रहा है। जबरदस्त। अब फॉरवर्ड फोर्स पता है क्या हो जाएगी, 140 प्लस इसमें हो जाएगा 60, 140 भी फॉरवर्ड, 60 भी फॉरवर्ड। बैकवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, फ्रिक्शंस 70 प्लस 50। मुजम्मिल, इसके अलावा कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड फोर्स है? सर 140 60 सर वो फॉरवर्ड फोर्स ही लगेंगी, अब बैकवर्ड नहीं लगेंगे सर। ना ना बेटा, वो मोशन की डायरेक्शन में है ना। देखो, जो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ए और बी का मोशन है डाउनवर्ड्स, तो ए और बी का मोशन का डायरेक्शन। बेटा वो तो आप मुझे एक बात बताएं, ये सिस्टम अगर मूव करेगा किधर मूव करेगा, आप खुद सोचो। आप रियल लाइफ में अगर इसको, तो बस बात सर, बॉक्स ए और बी तो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं राइट सर? ठीक है, तो बॉक्स, बात सुनो, बॉक्स ए और बी मूव भी डाउनवर्ड्स कर रहे हैं और उनका वेट भी डाउनवर्ड्स है, तो जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होती है वो फॉरवर्ड फोर्स होती है। तो ए और बी का जो वेट है, ए भी, समझ आ गई बात ना? तो जी समझ आ गई सर। वेट है वो मोशन की डायरेक्शन में है। इसको यूं समझो, ए और बी का वेट है मोशन के डायरेक्शन में, डी और सी का वेट है मोशन के परपेंडिकुलर। जो वेट मोशन के परपेंडिकुलर होंगे उनको इग्नोर कर देंगे, सी का वेट इग्नोर्ड मोशन के परपेंडिकुलर, डी का वेट इग्नोर्ड मोशन के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शंस मोशन के अगेंस्ट। अब फॉरवर्ड एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी ए और बी का वेट, जो कि हो जाएगा 140 प्लस 60। बैकवर्ड एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी फ्रिक्शंस, जो कि हो जाएगा 70 प्लस 50, और ये इक्वल हो जाएगा सबके मैसेस का सम, यानी के 14 केजी प्लस 6 केजी प्लस 12 केजी प्लस 8 केजी, और इनटू हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ए, तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ए, तो ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आती है समझ, सिद्रा बेटा क्लियर? ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी बच्चों, अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट है जी फाइंड T3 फाइंड करना है। मुजम्मिल, अगर T3 फाइंड करना है तो सिस्टम क्या लेंगे, जल्दी से बताओ। सर अगर T3 हमें फाइंड करना है तो हम लोग A B को लेंगे सिस्टम। ना करो यार, अगर T3 कहां पे दिया हुआ है देखो जरा। सर D सिर्फ भी ले सकते हैं, जी सर D भी ले सकते हैं, खाली हम लोग सिस्टम भी ले सकते हैं। हमारे पास, हाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लेंगे D ओनली, या हम लेंगे C A और B, या हम लेंगे A B C, और या हम लेंगे D ओनली। तो सिस्टम हम ले लेते हैं जी D ओनली। जब D ओनली होगा सिस्टम, तो मुझे लगता है कि कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। अब इसका मोशन D का किस तरफ है, राइट साइड पे, एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, राइट साइड पे। तो D को जब सिस्टम लेंगे तो उस केस में ये वाला T3 जो है ये बन जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी जी T3 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 50 न्यूटन अगेंस्ट द मोशन
इज इक्वल टू मास ऑफ डी 8 के जी और इनटू हो जाएगा एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू 8 इंटू 16 प्लस 50 इट इज 66 न्यूटन. ये हमारा कौन सा हो गया, पार्ट बी हो गया. अच्छा अब हम आते हैं पार्ट सी पे. पार्ट सी आप लोग लिखें. सी पार्ट इज ये हमने क्या फाइंड कर लिया टी पर हम डी और सी को इस सिस्टम ले सकते हैं. उसमें एक मसला है, जब आप डी और सी को सिस्टम लेंगे टी थ्री बन जाएगा इंटरनल तो वो इक्वेशन में आएगा ही नहीं. ओके सर. बेटा आपने जो फाइंड करना है वहां पे सिस्टम को स्प्लिट करेंगे ना. अगर sir, आपको टी थ्री फाइंड करना है तो टी थ्री एक्सटर्नल होना चाहिए. अब आप लिखें क्वेश्चन का सी पार्ट, फाइंड टी वन एंड टी टू. अब आप फाइंड करें टी वन और टी टू. चलो बच्चों अब हम टी वन फाइंड करते हैं. मुजम्मिल अगर टी वन फाइंड करना है तो सिस्टम क्या होगा सर? ए और बी में से लेंगे. ए और बी में से नहीं लेंगे, ए लेंगे क्योंकि अगर बी लोगे तो फिर टी टू और टी वन दोनों. अच्छा जी हाँ, और टी टू आ जाएगा. हाँ तो बात सुनो, सिस्टम होगा ए ओनली, सिर्फ ए को सॉल्व करते हैं. तो बेटा ए का मोशन किस तरफ है? डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड सर. अच्छा और ए का जो अपना वेट है 140 न्यूटन वो डाउनवर्ड्स? वो भी डाउनवर्ड जा. हाँ और ए पे जो टेंशन है टी वन वो है अपवर्ड्स. अपवर्ड्स. तो इक्वेशन क्या बनेगी, 140 इज द फॉरवर्ड फोर्स, टी वन इज द बैकवर्ड फोर्स, मास ऑफ ए इज 14 केजी और इनटू हो जाएगा एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ जी बच्चों आती है समझ? हारून क्लियर है यहां तक? जी सर. अच्छा अब इसको हम करते हैं सिंपलीफाई फॉर टी वन. तो ये हो जाएगा 140 माइनस 14 इंटू 228 इज इक्वल टू टी वन. तो ये आ जाएगा 112 इज इक्वल टू टी वन. तो 112 न्यूटन. अच्छा अब हमने टी वन फाइंड कर लिया, अब हम आते हैं टी टू पे. मुजम्मिल टी टू के लिए किसको लेंगे सर? इसमें हम लोग बी को लेंगे. नहीं बेटा एक मसला है, जो आपने खुद वैल्यूज फाइंड किए हैं वो यूज नहीं करनी. जो टेंशन ए बी सी दोनों तीनों में, बच्चों बात सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो. देखो बात ये है कि जब आपने टी वन तो आपने खुद फाइंड किया है, टी थ्री भी आपने खुद फाइंड किया है, जो वैल्यूज आपने खुद फाइंड की है उसको आपने अगले पार्ट्स में यूज नहीं करना. तो आपने अगर टी टू फाइंड करना है तो यू हैव टू इंश्योर दैट कि यू आर यूजिंग द गिवन डेटा. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो. क्या कहते हो? आपके पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए और बी को एज अ होल सॉल्व कर लो. सर सिस्टम बी नहीं ले सकते खाली हम लोग? बेटा अगर आप बी को सिस्टम लेंगे तो बीच में टी वन भी आ जाएगा, और टी वन आपने ऑल दो फाइंड किया हुआ है, लेकिन बेटा आपने फाइंड ही किया हुआ है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो तुम्हारी बात मान लेते हैं, बी को सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है ले लिया सिस्टम. जब बी को लेंगे सिस्टम तो बी पे फॉरवर्ड फोर्स होगी टी वन, और बी पे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स होगी वो होगी, बल्कि टी वन नहीं है सिर्फ बी पे, बी को ले लिया सिस्टम तुम्हारे कहने पे. अब बी पे फॉरवर्ड फोर्स होगी 60 न्यूटन प्लस टी वन, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस इसमें से हो जाएगा टी टू, और ये इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स एक्सेलरेशन के. आती है बात समझ? जी सर. अब देखो 60 प्लस 112 माइनस टी टू इज इक्वल टू 12. अच्छा इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक मसला है, अगर ये 112 गलत हुआ पिछले पार्ट में तो ये आंसर गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आपका जो टी वन का आंसर है इट कुड बी करेक्ट और इनकरेक्ट. व्हाट इफ योर आंसर फॉर टी वन इज इनकरेक्ट, तो ये पार्ट उससे इफेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा? क्या कहते हो? होगा सर. सर हो जाएगा इफेक्ट जी. तो इसलिए बेटा बी को ना लो, बी को लेके भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब बी को लेंगे तो आपको फिर टी वन यूज करना पड़ रहा है, और टी वन आपने खुद फाइंड किया है. इट्स बेटर के आप ले लो सिस्टम ए एंड बी, या तो आप ले लो ए प्लस बी, या फिर आप सिस्टम ले लो सी प्लस डी. बेटा सी प्लस डी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी को भी सॉल्व कर सकते हैं.
ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे तो टी वन इंटरनल हो जाएगा, सी प्लस डी को सॉल्व करेंगे तो टी थ्री इंटरनल हो जाएगा। तो ए प्लस बी की इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी की इक्वेशन बनेगी 140 प्लस 60, ये दोनों हो गए, और इसमें से माइनस हो जाएगा टी टू, और ये इक्वल हो जाएगा इनका मिला के मैस 20 के जी, और इनटू हो जाएगा एक्सलरेशन दैट इज 2, तो 40, तो ये हो गया 200 प्लस 200 और माइनस 40, तो 200 में से अगर 40 जाएगा 160 न्यूटन, T2 is 160 न्यूटन। अच्छा अगर इसी को हम फाइंड करते हैं C और D से, तो फिर ये यूं बनेगा ना, T2 माइनस C और D से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 70 प्लस 50 बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास हो गया दोनों का मिला के 20 और एक्सेलरेशन हो गया ओवरऑल 2। तो T2 इज इक्वल टू, बेटा वन सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 40 प्लस 120, इन एनी केस आंसर 160 आ रहे हैं। हाँ बेटा अब आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर मास 22 नहीं होना चाहिए। बेटा वो किस लिए? सिक्स केजीज और 14 केजीज। ठीक है बेटा, 6 और 14 तो 20 होता है। सही है बेटा, 6 और 14 को अगर ऐड करें वो तो 20 बनता है। चलें जी बच्चों, कर लिया ये वाला पार्ट? Yes, sir. अच्छा अब ये तो था पुली जब फ्रिक्शन लेस होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पुली फ्रिक्शन लेस नहीं होती, तो लिखो प्रॉब्लम्स। ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रिक्शन लेस पुली के साथ, लेकिन ऐसा ये फ्रिक्शन लेस था ना पिछला, ये फ्रिक्शन लेस था, ये स्मूथ पुली था। अब इसके आगे लिखो प्रॉब्लम्स विद द पुली हैविंग फ्रिक्शन। अगर पुली में फ्रिक्शन होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि अगर हो फ्रिक्शन लेस पुली, फ्रिक्शन लेस पुली इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। In real life, having a frictionless pulley is almost impossible. और अगर होगी रफ पुली, so a pulley could be rough or it could be frictionless. A frictionless pulley के ऊपर से जब रोप गुजरेगी हूं तो उसके दोनों साइड्स पे जो टेंशन आपको मिलेगी वो सेम होगी, दोनों साइड्स पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। जबकि जो रफ पुली होगी उसके दोनों साइड्स पे जो आपको टेंशन मिलेगी T2। तो इफ पुली इज रफ, पहले हम स्मूथ का लिखते हैं, इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस If pulley is frictionless, then tension on two sides will be equal. अगर pulley frictionless होगी तो दोनों sides पे tension same होगी। If If pulley has a friction, Fatima, ये नीचे वाला door बंद कर दो। Fatima, ये door बंद कर दो। अच्छा क्या मतलब, ये door बंद कर लो, आवाज आ रहा है, मैं क्लास ले रहा हूं ना। अच्छा, if pulley has a friction, then the tensions on the two sides
आर डिफरेंट। मुजम्मिल बात समझ आ गई? जी सर। अगर फ्रिक्शनलेस पुली होगी तो दोनों साइड्स की जो टेंशन है वो क्या होगी? इक्वल। और अगर रफ पुली होगी तो दोनों साइड्स की जो टेंशन है वो इक्वल नहीं होगी बल्कि वो डिफरेंट होगी। और जब किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन दी होती है तो एज अ मैक्सिमम लिमिट दी होती है। फ्रिक्शन की हमेशा हम मैक्सिमम लिमिट देते हैं। तो अब ये वाला पेज अगर आपने कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बच्चों, अगर आपने ये वाला पेज कॉपी नहीं किया तो इसका T1 T2 का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगा ना? इसी तरह होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स या बॉक्सेस हैं ये उस पे टेंशन है और ये उससे अवे होती है, नहीं होगा ऑपोजिट, इसी तरह होगा। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें पुल्ली में फ्रिक्शन होगी, ठीक है? उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो अ क्वेश्चन इन विच द पुल्ली हैज अ फ्रिक्शन। चलें जी नेक्स्ट पेज। इस पे जी आपके पास जो पुल्ली है उसमें फ्रिक्शन है। ये है जी, फर्ज करें इस तरफ ये वाला जो मैस है ये 50 kg का है और इस तरफ एक मैस है 5 kg का और एक और मैस है 10 kg का। तो 5 kg का मैस, 10 kg का मैस और दूसरी साइड पे 50 kg का मैस, दे आर हैंगिंग एंड द पुली इज रफ। ठीक है जी, अब जो रूल है पहले तो वो लिखते हैं कि रूल क्या है। पहले हम रूल लिखते हैं। रूल ये हुआ करेगा। अच्छा मुजम्मिल, अगर ये मूव करेंगे तो पुल्ली किस तरफ रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। हाँ, अगर मूव करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, लेकिन अगर मूव करेगी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि ये पुल्ली मूव करे ही ना। ठीक है जी, अब उसके लिए पहले तो हमने रूल या कंडीशन लिखनी है, वो ये होगी कि अगर आप हैवियर साइड के वेट को वेट ऑफ हैवियर साइड उसमें से आप माइनस कर लें वेट ऑफ फातिमा, ये रूम के अंदर आवाजें आती हैं नीचे से, रूम के अंदर आवाजें आती हैं? अच्छा ठीक है, डोर बंद कर देना नीचे वाला अच्छी तरह से। सारी रूल खाली रफ पुली के लिए आएगा खाली? हाँ हाँ, क्योंकि ये है ही फ्रिक्शन के लिए ना। वेट ऑफ द हैवियर साइड माइनस वेट ऑफ द लाइटर साइड, अगर ये हो जाएगा ग्रेटर मैक्सिमम फ्रिक्शन से। बेटा पुल्ली की ना हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन बताएंगे, अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा होगा देन द वेट्स विल मूव। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो वेट्स जो है वो मूव करेंगे। तो अगर वेट ऑफ हैवियर साइड माइनस वेट ऑफ लाइटर साइड ग्रेटर हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन के। फातिमा ये विंडो बंद करो और नीचे वाला डोर बंद करो, नीचे वाला डोर भी बंद है, ये इतनी आवाज क्यों आती है ऊपर? अच्छा ये खिड़की बंद करो। अच्छा, वेट ऑफ द हैवियर साइड माइनस वेट ऑफ द लाइटर साइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, द वेट्स विल मूव। और व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो कि वेट ऑफ हैवी साइड माइनस वेट ऑफ लाइटर साइड अगर ये लेस होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन के तो द वेट्स
the weights will not move. So in that case, the weights will not move. Muzammil, condition समझ आ गई? सर नहीं आगे less than का sign बनाया सर आपने ये आगे क्या चीज बेटा ये आगे less than का sign बनाया सर आपने वेडर लेटर साइड का आपने हाँ 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 ये मैंने less का sign बनाया less or equal less हो या equal हो तो फिर ये weights जो हैं वो move नहीं करेंगे और जो friction होती है ना वो हमेशा given होती है as a maximum value जैसे जब force को बढ़ाते हैं तो friction बढ़ती है और friction की एक maximum value की limit होती है कि friction maximum इतना हो सकती है तो द वेट्स विल नॉट मूव. सो इस सिचुएशन में वेट जो है वो मूव नहीं करेंगे. ठीक है जी. तो ये है जी सिचुएशन. अब एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें. अच्छा अब अगर हम टेंशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्ज करें ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है और ये बॉक्स सी है. इसको हम कह देते हैं रोप वन और इसमें टेंशन हो जाएगी ये टी वन और इधर से भी हो जाएगा टी वन. अच्छा अब इस वाले पार्ट में टेंशन अगर हो जाएगी टी टू तो इस वाले पार्ट में टेंशन हो जाएगी टी थ्री. इस पार्ट को मैं कह दूंगा रोप टू और इस पार्ट को मैं कह दूंगा रोप थ्री. सो रोप टू टेंशन टी टू, रोप थ्री टेंशन टी थ्री और रोप वन में टेंशन क्या होगी टी वन होगी. ठीक है जी. अब आप इस क्वेश्चन का लिखें ए पार्ट. ए पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि व्हाट इज द What is the value of maximum friction so that what is the value of maximum friction balki ye likho na what is the minimum value padma इन बच्चों को कहो मैं क्लास ले रहा हूं अंदर खेलें या बाहर खेलें. इनको कहो ऊपर ना बहुत ज्यादा शोर आ रहे तो मैं क्लास ले रहा हूं तो या अंदर खेल लें या बाहर खेल लें. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन सो दैट What is the minimum value of maximum friction so that the boxes must not move? So, what should be the value of what is the minimum value of the maximum friction? अच्छा ये जो question है ना ये itself confusing है. मुजम्मिल क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन. तो पहले तो मैं क्वेश्चन समझा दूं कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है. मुजम्मिल जैसे मेरी बात सुनो. अगर हम जो बीकन हाउस की क्लासेस हैं A1 की हर क्लास का सबसे लंबा लड़का सिलेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि दिस स्टूडेंट हैज अ मैक्सिमम हाइट आउट ऑफ M4 सेक्शन, दिस स्टूडेंट हैज अ मैक्सिमम हाइट आउट ऑफ M3 सेक्शन, दिस स्टूडेंट हैज अ मैक्सिमम हाइट आउट ऑफ M2 सेक्शन. अब हर क्लास का जो मैक्सिमम हाइट वाला बच्चा है उसमें से भी तो मिनिमम हाइट होगी ना. अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट आउट ऑफ द गिवन क्लासेस, तो बेटा मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी. इसी तरह जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, देखो पुल्ली की जो फ्रिक्शन है इट इज स्टेटेड एज द मैक्सिमम वैल्यू. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो कि बॉक्सेस मूव ना करें और इस पे हम अप्लाई करेंगे कंडीशन. और वो कंडीशन क्या होगी देखें, हैवी वाला जो वेट है वो है, नहीं समझ लगी क्वेश्चन की. मेरा मैं क्वेश्चन समझाता हूं. आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुली है उसको कितनी फ्रिक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट बॉक्सेस मूव ना करें, ये क्वेश्चन है.
पुल्ली की कितनी फ्रिक्शन हो कि बॉक्सेस मूव ना करें, पुल्ली की कम से कम फ्रिक्शन कितनी हो सो दैट बॉक्सेस मूव ना करें, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 केजी का जो वेट होगा इट वुड बी 500 न्यूटन। अच्छा 5 केजी का जो वेट होगा इट वुड बी 50 न्यूटन, 10 केजी का जो वेट होगा इट वुड बी 100 न्यूटन। तो ये इन सब के वेट्स हो गए, 5 केजी का वेट 50 न्यूटन, 10 केजी का वेट 100 न्यूटन, इस वाले का वेट 500 न्यूटन। अब जो कंडीशन है वो ये है कि बड़े वाला वेट माइनस छोटे वाला वेट, वेट ऑफ द हैवियर साइड माइनस वेट ऑफ द लाइटर साइड शुड बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन सो दैट द ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट मूव। अरुण इसकी समझ आ गई आपको? जी सर। तो 500 न्यूटन माइनस 150 न्यूटन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन सो दैट द बॉक्सेस मस्ट नॉट मूव। अगर हम चाहते हैं कि बॉक्सेस मूव ना करें तो जो 500 न्यूटन वाला वेट है और 150 न्यूटन वाला वेट है उसका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से या तो कम हो या अगर मैक्सिमम भी हो जाए तो उसके इक्वल हो जाए, ये है जी कंडीशन। हाँ जी आगे समझ इसकी। अब तो इसको हम कर देंगे सॉल्व, इससे जो आंसर बनेगा वो होगा ये 500 और ये 150, 350 न्यूटन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं, अयान मेरी बात सुनो, हैवी साइड का वेट माइनस लाइट साइड का वेट अगर हम उसका लेते हैं डिफरेंस, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को उस डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। देखो हैवी साइड वाला वेट माइनस लाइटर साइड वाला वेट होगा रिजल्टेंट फोर्स, अगर फ्रिक्शन रिजल्टेंट फोर्स से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी तो मोशन नहीं होगा, अदरवाइज मोशन हो जाएगा। तो 500 न्यूटन वाला वेट माइनस 150 न्यूटन वाला वेट अगर फ्रिक्शन से कम होगा या फ्रिक्शन के इक्वल होगा तो मोशन नहीं होगा, अदरवाइज मोशन हो जाएगा। तो जो कंडीशन बनी वो है एफ आर मैक्सिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 350 न्यूटन फॉर नो मोशन। इसका मतलब यह है कि आपका जो फ्रिक्शन है वो इतना इनफ है कि वेट्स को होल्ड करके रखेगा। मुजम्मिल क्लियर यहां तक? जी सर। तो फ्रिक्शन को होना चाहिए बेटा, नहीं जी मतलब ही तो फाइंड करना था, यही तो क्वेश्चन था ना। ए पार्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ए पार्ट का क्वेश्चन ये है कि कम से कम फ्रिक्शन कितना हो कि बॉक्सेस मूव ना करें। तो हमने कहा कि जो वेट्स का डिफरेंस है फ्रिक्शन को उससे बड़ा होना चाहिए या फिर कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए जो ताकि ये बॉक्सेस मूव ना करें। बेटा आसान जबान में फ्रिक्शन को वेट्स के डिफरेंस के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए सो दैट बॉक्सेस मूव ना करें, ठीक है जी। अगर उससे कम होगा तो बॉक्सेस मूव कर जाएंगे। ये हमने कर लिया कौन सा पार्ट? ए पार्ट। अब आप आ जाएं बी पार्ट पे। बी पार्ट लिखें द मैक्सिमम the maximum friction between the pulley and the rope can be 150 newton. First part, in what direction the
फुली विल, बल्कि यूं लिखो इन व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट्स विल मूव, इन व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट्स विल मूव. हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो द मैक्सिमम फ्रिक्शन, हाँ जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हो? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्योंकि हैवी साइड जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा, अब अगर हम इस मोशन को लेबल कर देते हैं, तो ये वाला जो 50 kg है, जो 50 kg वाला मैस है, वो जाएगा नीचे की तरफ, और जो 10 kg और 5 kg हैं वो जाएंगे ऊपर की तरफ. ये है जी कहानी. तो बात ये है कि ये वाला जाएगा नीचे की तरफ और ये एक्सेलरेट भी करेगा नीचे की तरफ. ये वाले हाँ बेटा बताओ. लेकिन सर, समझने सर, हमने 150 से किस तरह इंडिकेट करने के सर एंटी क्लॉक. बेटा हम उसको इंडिकेट इस तरह से करेंगे ना कि ये ऊपर जा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप यूं कह लो ए एंड बी विल मूव अपवर्ड्स, सी विल मूव डाउनवर्ड्स. बात खत्म. बेटा आप ये कह दो ना कि ए और बी आर मूविंग अपवर्ड्स, सी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ये भी तो चल जाएगा ना. तो ए और बी जो है दे आर, लाजमी नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज कहो, आप कहो कि, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो हमने ओवरऑल बताया ना, तो हम ये भी कह सकते हैं ए एंड बी विल मूव अपवर्ड्स और जो सी होगा इट विल मूव, सी विल मूव डाउनवर्ड्स. बेटा जब आपको समझ आ गई तो वहां पे आप जो मर्जी वर्डिंग लिखे उसके नंबर नहीं करते. तो ओवरऑल मोशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ए और बी का मोशन होगा अपवर्ड्स और सी का मोशन होगा डाउनवर्ड्स. ए और बी जब अपवर्ड्स जाएंगे तो इनका एक्सलरेशन भी अपवर्ड्स होगा, सी जब डाउनवर्ड्स जाएगा तो उसका एक्सलरेशन भी डाउनवर्ड्स होगा. तो ए और बी जो है वो अपवर्ड एक्सलरेट करेंगे और सी जो है वो डाउनवर्ड्स एक्सलरेट करेगा, और दोनों की एक्सलरेशन की वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी. ठीक है जी, अब लिखें सेकेंड पार्ट. फाइंड एक्सलरेशन. जब आपने एक्सलरेशन फाइंड करना होगा तो आप होल सिस्टम लेंगे, उसका एडवांटेज क्या मिलेगा? टेंशन इग्नोर हो जाएंगी. अगर आप टेंशन को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप होल सिस्टम ले लें. फॉर एग्जांपल, अगर हम सिस्टम को ले लेंगे तीनों बॉक्सेस, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज द सिस्टम, तो मुजम्मिल ये बताओ T1, T2 और T3 इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस? हाँ जी मुजम्मिल. सर इंटरनल फोर्सेस. अब एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे मोशन की डायरेक्शन में जो वेट है इट इज 500 न्यूटन. 500 न्यूटन वेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगेंस्ट द मोशन 100 or 50. सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी हैव 500, अगेंस्ट द मोशन वी हैव 150, एंड दिस विल बी इक्वल टू द ओवरऑल मैस इज 10 प्लस 5 प्लस 50, 65 kg. सर फ्रिक्शन नहीं आएगी इस पे? बेटा फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन भी आएगी ना. वन सेकेंड, वो मैं भूल ही गया था. अच्छा, फ्रिक्शन होगी किस तरफ? मोशन के अगेंस्ट. तो पहले तो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर दो ना. फ्रिक्शन इस तरफ होगी, मोशन को अपोज करेगी ना, तो मोशन के अगेंस्ट होगी. जैसे पुली का मोशन यूं होगा ना सर, 150 है ना फ्रिक्शन. हाँ, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है जी गिवन है आपको, और फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों की मान है यहाँ पे कितना की मान है फ्रिक्शन बच्चों? 150 न्यूटन ना.
तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो अब फॉरवर्ड फोर्स हो जाएगी 500, बैकवर्ड फोर्स हो जाएगी 150 भी, और फ्रिक्शन वाला 150 भी. एक 150 वेट वाला है, ये जो 150 है ये ए और बी का वेट है, और दूसरा जो 150 है वो फ्रिक्शन है. तो 500 माइनस 150 प्लस 150, 500 फॉरवर्ड, वेट्स ऑफ ए एंड बी बैकवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड इज इक्वल टू द मैसेज आर 65 इन टोटल और इनटू एक्सेलरेशन. मुजम्मिल आती है समझ? जी सर आती है. तो ए आ जाएगा हमारे पास 200 ओवर 65, बताओ कितना आ गया. बच्चों इसका आंसर बताओ, 200 ओवर 65 व्हाट इज द आंसर? सर 3.07. 3.07 सर, वो 3.08 हो जाएगा फिर. कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, 3.0708 जो भी है. अच्छा अब इस क्वेश्चन के हम आते हैं आखिरी पार्ट पे. आपने फाइंड करना है, फर्ज करना है ये T3. मुजम्मिल T3 फाइंड करने के लिए सिस्टम क्या लेंगे जल्दी से बताओ. सर T3 के लिए हम लोग ये सी ले लेंगे. हाँ, और जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व करेंगे तो उस फ्रिक्शन का, जो पुली की फ्रिक्शन है, उसका कोई काम नहीं है. तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी मोशन इस तरफ है, नीचे की तरफ. 500 माइनस T3 इज इक्वल 50 टाइम्स ए. ठीक, सर जब सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो उसमें सिर्फ फ्रिक्शन वाली बात नहीं है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन वाली बात नहीं नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन पूरे सिस्टम पे एक्ट कर रही है, वो सी ए या बी पे इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर रही, वो ए बी और सी पे एज अ होल एक्ट कर रही है. फ्रिक्शन जो है वो ए बी और सी पे एज अ होल एक्ट कर रही है, लेकिन ए या बी या सी पे इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर रही. ठीक है सर. 500 इज अ फॉरवर्ड, T3 इज द बैकवर्ड इज इक्वल टू 50 है. ये किसका बन गया? T3 का. इसी तरह T2. पार्ट में हमने ए कैलकुलेट किया, उसमें हम मास ऑफ द पुली को नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं बेटा, वो नहीं करेंगे. पुली की जो फ्रिक्शन है वो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम में आ रही है, लेकिन पुली का जो वेट है वो नहीं लेंगे. पुली के वेट का कोई काम नहीं है. ओके. अच्छा अब हम फाइंड करते हैं T2. T2 के लिए हम ए और बी को सिस्टम ले लेंगे. ठीक है, इसी तरह आप T2 फाइंड करेंगे, फिर आप T1 फाइंड करेंगे. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, उसके बाद हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. चलो बच्चों, सर T2, सर T2 लेने के लिए सर हम सिस्टम भी लेंगे राइट सर? T2 के लिए हम लेंगे ए और बी को सिस्टम. सिस्टम बी खाली ले सर, जो किसमें T1 भी आ जाएगा इसलिए. हाँ T1 वो नहीं ले सकते क्योंकि T1 भी आ जाएगा. सही सर, सर ये होमवर्क है T2 और T1. हाँ ये होमवर्क है, ये आपने खुद करना है. ठीक है सर. ओके सर. हाँ जी, चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज़ सर.